जनाब, तो मैं आपको अपनी बालियों की स्टोरी बताती हूँ। ये मैंने अपनी फ्रेंड से जो है ना ऑनलाइन मंगवाई थी, तो ये जो है कल मुझे देकर गई थी। तो थैंक यू सो मच मिस साजदा, आपने मुझे टाइम पे ला के पहुँचा दी, तो बहुत अच्छी हैं। थैंक्स अ लॉट। उनसे ऑनलाइन बालियाँ मंगवाई थी, तो मैंने उनसे ऑनलाइन बालियाँ मंगवाई थी और वो अभी मुझे देने के लिए आ रही है। तो बस मनी का वेट कर रही थी, अपनी स्कूल फ्रेंड का चाय वाय मैंने बना ली थी और बस बैठ के वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, क्यों ना मैं व्लॉग बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। तो कैमरे का रिजल्ट थोड़ा था। अरे जी, तो जनाब आज है ट्यूसडे और तमाशा का ग्रैंड फिनाले हमने देखा, अरूबा जीत गई हैं, अनफेयर डिसीजन हो गया बहुत ज़्यादा। तो जी चले क्या कह सकते हैं। तो भाई आज जो है ना वो ट्यूसडे है और मैंने बनाए हुए हैं कढ़ी चावल। वाह, तो भाई आज ट्यूसडे को मैंने बनाई है कढ़ी चावल, तो मैं दिखाती हूँ अपनी कढ़ी चावल। बड़ी मेहनत लगती है इसमें, बहुत मेहनत का काम है कढ़ी चावल बनाना। तो जनाब ये रहे मेरे वाइट राइस, यमी। और जी ये रही मेरी कढ़ी, आज मैंने बनाए हुए हैं कढ़ी चावल, बड़े मज़े के यमी टेस्टी से बने हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये बनी हुई है मेरी कढ़ी ये। तो जी आज जो लाइटें भी ना बहुत ही ज़्यादा जा रही हैं, कुछ ज़्यादा ही लाइटें आना जाना स्टार्ट हुआ हुआ लाइटों का। और भाई अब बस मैंने आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो मैंने बना ली है कढ़ी चावल और उसके साथ बनाए हैं वाइट राइस। गर्मियों में कढ़ी बहुत अच्छी लगती है और जिस हिसाब से कराची की गर्मियाँ पड़ रही हैं उस हिसाब से तो इट्स द बेस्ट मेन्यू। तो अभी जो है ना मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, वो भी आने वाली है, मैंने उनसे बालियाँ मंगवाई थी तो वो देने के लिए आ रही हैं। अगर वीडियो बना सकी तो वो ज़रूर व्लॉग में ऐड करके डालूँगी। तो बस मेरा आज तक का यही व्लॉग था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कल के मेरे व्लॉग का वेट करें। तो जी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।